इसके बाद मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि अपने स्टाफ का जिन्होंने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प की, और अपनी वाइफ जो प्रिंसिपल हैं सुपर स्कूल की मैडम मशीन, उन्होंने भी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई की प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में, और आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है मुकाबला फन तकरीब सारे स्कूल के दरमियान में होगा इंशाल्लाह, उसके लिए भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ दावत देंगे। अभी कार्यकाल में हूँ सर, आपसे कुछ बातें करना चाह रहे हैं। अभी आपके लिए छोटा सा गिफ्ट यहाँ पे रखा हुआ है, जो लोग बैठे हुए हैं उनको तो मिल जाएगा, जो जल्दबाजी में चले गए उनको नहीं मिलेगा। जो सबके लिए रखा हुआ था छोटा सा गिफ्ट, जो लोग चले गए उनको नहीं मिला, जो बैठ गए उनको मिलता है। आप जल्दी जल्दी बाहर अपना गिफ्ट आप खुद ही खो रहे हैं जी। तो मैडम आप ये गिफ्ट ड्यूटी में डिवाइड कर दे, अचीव कर दे। अच्छा, अभी ये जो बच्चा थर्ड पोजीशन पे आया, इसने नाक में एक बार कही थी, नाक में एक शेर पढ़ा था जिसका मफहूम शायद ये था कि सिर्फ गलियां सजाना ही कोई बात नहीं है। मुझे बड़ी पसंद आई है और मेरे दिल में बार बार वो बात घूम रही है, और वो अटैच हो रही है एक और बात के साथ, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। हम कुरान पाक को गुलाब में लपेट के रखते हैं, बड़ा एहतराम देते हैं, लपेट के ऊपर रखते हैं, बड़ी दूर जहाँ आगे ना पहुंचे पड़े ना। तो कुरान पाक में एक बार भी नहीं आया कि उसको गुलाब में लपेट कर रखे, ठीक है। अगर आप उसको गुलाब में लपेट के रख रहे हैं तो ठीक है, अदब है, लेकिन ये सारा अदब नहीं है। पुराने पाक का अदब ये है कि पुराने पाक में नमाज बहुत सैकड़ों बार आया, अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आप कुरान का अदब कर रहे हैं। अगर आप झूठ बोलने से खुद को बचा रहे हैं, हमेशा सच बोल रहे हैं, तो आप कुरान का अदब कर रहे हैं, मतलब कुरान में सच बोलने का हुक्म। अगर आप हसद से बच रहे हैं तो ये आप कुरान का अदब कर रहे हैं, क्योंकि कुरान में हसद से बचने का हुक्म, मतलब आप सारी अच्छाइयां खुद में पैदा करेंगे, कुरान के अहकामात मानेंगे, तो फिर ये कुरान का अदब है। ये कुरान का अदब नहीं है कि हम सिर्फ गुलाब में लपेट के रख दे, वो भी अदब है, लेकिन अदब तब मुकम्मल होता है तब जब हम कुरान के अहकामात को मानेंगे। और ये जो हमारे भाई आई हैं मैसी टीवी से, कामरान भाई और अब्दुल मनान भाई, मैं इनका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया, हमें हमारी हौसला अफजाएगी, हमारे बच्चों की हौसला अफजाएगी। आज तक ऐसे यहाँ पे कभी अभी नहीं हुआ कि हमारा कोई प्रोग्राम किसी स्कूल का टीवी पे लाइव चला हो, तो ये वैसे टीवी वालों के हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं इस हवाले से, उन्होंने हमारी हौसला अफजाएगी और हमारे लिए इतनी दूर से चल के आगे। और आप सबका भी मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी हौसला अफजाएगी, और उन बच्चों का भी और उन टीचर्स का भी जो मुख्तलिफ स्कूलों से संडे की छुट्टी होने बावजूद यहाँ पे आ गए। टीचर्स का भी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैंने सारे टीचर्स को स्टेज पे बुलाना था, लेकिन मैसेज टीवी की पॉलिसी के मुताबिक फीमेल्स को वो लाइव वहाँ पे टीवी पे नहीं लेके आते, इसलिए मैं आपको बुला नहीं सका, वरना मैंने सारे टीचर्स को स्टेज पे बुलाना था। वेरी सॉरी फॉर दैट, मैं बुला नहीं सका। बहुत शुक्रिया, आप आ गए हमारे पास।